बोली घी घल रहा सका। गाइस अभी सो के उठे हैं, राजा वाली फील ले रहे हैं। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जब हमें जिम जाना था। तो कौन 6 महीने हो गए भाई, ज़्यादा टाइम होगा? मैं इतना, मुझे तो इतना ही होगा, 7-8 महीने, अगस्त मार्च से पहले जा ही तो रहे, 5 महीने हो गए गाइस। 5 महीने बाद आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम जिम के लिए प्रस्थान हैं। मैंने गाइस कल वाले ब्लॉग में बताया जबरदस्ती लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर यू ना जाता आज तो मैं रात हो जाते आज, क्योंकि जिम के बिना भैया हमारी ज़िंदगी अधूरी है, जो बात है। तो अभी चल रहा है अपना भैया दूध, हाँ तो दूध पी के फिर चलते हैं अपना जिम की ओर। तो चलो मिलते हैं जिम में पहुँच कर आज, और आज जिम की वीडियो बनाएंगे अपनी 2-4, बहुत दिन हो गया शाहरुख का देख लिया। खाओ शाहरुख, छुट्टियाँ करी है शाहरुख ने। ये तू नीचे का भी जा रहा है, ऊपर ही खेल लो, दोनों ऊपर ही खेल लो। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा जी। कहाँ जा रहा है कोमल? आदित्य ब्रो हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस कर दो जल्दी, हेलो गाइस कर दो। नहीं हाथ गंदे हो रहे हैं ना, इसलिए नहीं करना हेलो गाइस, तब किसी कर दो मुझे भी लव यू। भाई जिम करके आ चुके हैं और हमारा भाई आज भी नहीं गया, जाते जाते रुक गए, देखो बैठा हमारा भाई, क्योंकि इसका कल आज तक आया ही ना है, 2 साल होने को जा रहे हैं, कल चलूँगा इसका कल ही ना आ रहा। तो कोई बात नहीं गाइस, हम तो जरूर, मैंने तो आज कसम खा ली कि आज जिम मार गाऊँगा, कुछ भी हो जाए इंगे तो इंगे हो जाए मामलो, मगर आज जिम जाना हो कुछ भी हो जाए। फिर उधर से भैया इस तरह अगली बारी क्लिप में तुम्हें देखने को मिलेगा, उधर से नोना से भी मिल के आ गए, और उधर ताऊ भी मिले मुझे, फिर भाई कुलदीप भी मिले वहीं रास्ते में, हाँ ना गली में मिले कुलदीप भाई को कह रही उन्होंने, मैं कह ददतपुर जा रहे हो, ददतपुर मैं कह रहा हूँ, उसका मैं कहा ताऊ है ददतपुर जा रहे हैं, अच्छा ददतपुर जा रहे हैं। तो चलो गाइस अब भाई कमजोरी आ रही है शरीर में बहुत ज़्यादा, आज पता लगी है जैसी भाई डंबल वम्बल मारे तो मतलब कि एकदम चक्कर से आगे घुमसी होगी शरीर में, इतनी कमजोरी आ चुकी है। मगर कोई दिक्कत ना, 1 महीने में सब कवर कर लेंगे, ये तो अपने हाथ का है, जब जी करो जब बढ़ा लो, जब जी करो जब घटा लो। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा। अरे ट्रक कौन चढ़गा लीवर पे, ट्रक चढ़गा ट्रक मेला फिल्म का। गाइस सारे भाई चले गए हुक्का पी के, और भैया जिम से आने के बाद अपने बैठे थोड़ा उक्का उक्का भी आया, और अब खाएंगे अपने रोटी, भिंडी की सब्ज़ी बनी आज। तो चलो भाई रोटी वोटी खा गए, फिर बात करते हैं आपसे। और आज बात हारे भाई ने जूता पहरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ठीक है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा। मैं रोटी खाना बैठा, फिर यार चाय ख़त्म होगी तो बिगर घोटने से ना रोटी खाई ना जाती, दूध मैं पहले पी लूँगा अपना, जिम से पहले पी लिया दूध। तो अभी भाई गया है बड्डे भैया हमारे नवीन डिड्ढा, तो उन्होंने कह रहा चल मैं चाय लेकर आ रहा हूँ, तो अभी दुकान पर गया चाय लेने, कर रोटी खाएंगे चाय के साथ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यार घोटने को चाहिए, शुरू से याद आता है बिगर घोटते ना रोटी चलती ना अभी तरह। तो अब मैं दूध मम्मी से कल कहता करूँगा कि अपना भैया मेरा एक गिलास कच्चा दूध दर्द कर रही हो रोटी की कह लो। तो अब जिम विम जाना तो थोड़ा भैया अब डाइट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब भी अपना शरीर थोड़ा गेन होएगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा की। आसो तू ना खा रोटी, आ जा भैया सूख रही, ठंडी हो जाएगी रोटी, अरे ठंडी हो जाएगी फिर क्या मजा आएगा रोटी खाने में। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग भाई, सो को उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 12 बजे दिख गया, 12:01 का टाइम हो रहा, और गाइस शरीर दुख रहा सारा भाई, कल जिम गया सारे जोड़ दुख रहे हैं, हाथ के चेस्ट दुख रही है, कल जाती हैवी मान ली थोड़ी, मैं देख रहा हूँ मगर
वही वाला जोश है नहीं है पहले वाला, तो अब सारा शरीर दुख रहा है। अब नहाऊंगा ना थोड़ा, जब थोड़ा ठीक हो गई दर्द। तो चलो भाई अब सो के उठे हैं और कुछ खाएंगे, पहले भूख लग रही है, उठते ही थोड़ी भूख तो लगी है तुम्हें पता है। चलो तो कुछ खा के फिर बात करते हैं। जय बापा जी। अपनी चल रही है रोटी, भिंडी की सब्जी और छाय खुरमा, ये रख के खुरमे। थोड़ी देर भैया चल रही है हुक्का, इधर अपने बड्डे भाई बैठे हैं खुरमे खाते हुए। और इधर आज चलेगा भाई जिम, पक्की बात है। अरे भाई कल लिया शरीर है, क्यों बेइज्जती करवा रहा मेरी। अरे डन है, तुझे पता ना भागने कल भी ना गया, कल भी ना गया। हां किधर आ गया कल गए तो तुम्हारा सु भाई, मैं तो गया, मैं रासु अंदर घूम जा अपना बेटा। तो गाइस चलो आज भी देखते हैं हमारा भाई जिम जाएगा नहीं जाएगा। सामान रखो है सारा फिर भी नहीं जा रहा, पता कैसा आदमी है यार, आलस भरा पड़ा शरीर में, बोझ हो रहा है कती। आलस तो बहुत ज्यादा है यार, तो चलो गाइस रोटी खा के फिर बात करते हैं। जाओ गाइस अभी सो के उठाऊँ और टाइम हो रहा है 5:30 और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आज मैंने भी क्या करो। ये मुझे बहुत बुरी लग रही है जूता में लग रही है यार, पूमा को यू जोंच गए तनी रहे ना जूते की फिता रहे तो पहुँच गए आगे लटक रही है, ये मुझे बहुत अजीब से लग रही है तो मैंने काट दी। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अब सही लग रही है वैसे, बैक कैमरे से दिखाता हूँ वैसे लग रही है। पहले ना यू इस पर ऊपर ऐसे पड़ा रह रहा है तो अजीब सा लग रहा है, तो अब सही लग रही है, अब ये लग रही है जूता की। हाँ भी जूता है, पहला अजीब से लग रही है यार मुझे बहुत, तो इस बार मैंने काट दिए। तो चलो गाइस हम नहा धोते हैं और फिर जिम की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं भैया थोड़ी देर में। जय बापा जी। भाई दुन्नू भाई और आजू भाई और भाई हमारा यहाँ घर आए है तो हमें पिज्जा, हमारी डाइट देख लो गाइस, पिज्जा है घेवर है तो यू अपनी डाइट है तो देखो देखो हमारा तो इतना शरीर है ना, हम तो घट रहे हैं भाई, हम तो खा भी सकते हैं क्योंकि हम तो गेन नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में खा लू अन्य सारे सूप दाई। तो गाइस हम आए हैं नीचे देखने कचौड़ी, भाई कुलदीप कह रहा कचौड़ी बनी बनी और है यही है बस वो भी है कैसी है मैं देख लूंगा तू देख ला। मजा। तो गाइस अभी पिज्जा खाया घेवर खाया आप कचौड़ी खा रहे हैं। मुंह में गरम मिट्टी हो गया। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और भैया आज हम बता देते हैं आपको क्या क्या खाया है। तो गाइस आज हमने बहुत कुछ खाया है, पिज्जा और घेवर, भंडारे की सब्जी, पूरी, हलवा, आड़ू कचौड़ी, तो कच्चा दूध, तो यू सब खाया आज, पेट भरा पड़ा हो मतलब कि उफारे मार रहा हूँ पेट, मतलब कि घोट सो हो रहा हूँ पेट में, घूम भी लियो मैं अभी लाइव में बता रहा हूँ मैं, तो इतना बुरा हाल हो रहा है क्योंकि आज ज़्यादा खा लियो, क्योंकि मैं जब जब जिम जाना चालू हो जाना तो मेरी डाइट बदल लगे अपने आप ही ऑटोमेटिक, जिम से ऐसा रूटीन बन जावे कि यहाँ भी खा ले यहाँ भी खा ले यहाँ भी खा ले। हाँ चाउमीन तो भूल गया, चाउमीन भी खाई, तो इतना सब कुछ खाया है अब पेट में बिल्कुल भी जगह ना हो जो बात है। तो चलो गाइस अब भैया सोने की तैयारी होती है, फिर सुबह बात करते हैं और सुबह ही एंड कर देंगे व्लॉग को। और जय बाबा की। तो गुड मॉर्निंग भाई, रोज की तरह सुबह उठ रही है 1:00 और अपनी गुड मॉर्निंग हो रही है अब, और आज तो भैया नहा धो के बैठा जाना रोटी है भैया।
काम से जा रही है ना भाई ना तो असल दी। तो चलो गाइस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और भैया मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और भैया अब नहा धो ले थोड़ा, और भी सब्जी बढ़िया देख रहे हो मौसम का बड़ा है, सौ का उठनों में ऐसे हो जाएगा और तुम्हें तीख तीन हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बाबा की। ब्लॉग को एंजॉय करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी ओहो जय बाबा की, हाथ में उठ रहा यार, बहुत दर्द हो रहा है सारे शरीर में। सर बैठाया पला जो के चक्कर में।